अब गाइस देखते हैं क्वेश्चन सेकंड ऑफ एक्सरसाइज 14.2। क्वेश्चन सेकंड क्या कह रहा है गाइस, कह रहा है द फॉलोइंग डाटा गिव्स द इंफॉर्मेशन ऑन द ऑब्जर्व्ड लाइफ टाइम्स। ये हमें कुछ गाइस डाटा दिया हुआ है लाइफ टाइम्स के ऊपर, ठीक है, कि 0 से 20 लाइफ टाइम की 10 फ्रीक्वेंसी है, 20 से 40 लाइफ टाइम की 35 फ्रीक्वेंसी है, ठीक है। हमें कुछ डाटा दिया हुआ है, इसका कह रहे हैं मोड निकालो, ठीक है। अगर गाइस आपको मोड निकालना अभी तक नहीं आता तो इससे पहले वाला क्वेश्चन फर्स्ट सीख लो मेरा, उसमें मैंने ढंग से आपको मोड निकालना सिखाया हुआ है, ठीक है। इसमें हम सीधा डायरेक्ट फॉर्मूला में पुट करेंगे, ठीक है, वैल्यूज। तो हम मोड कैसे निकालते हैं, सबसे पहले हम देखते हैं मॉडल क्लास कौन सी है, मॉडल क्लास कौन सी है। मॉडल क्लास वही होती है जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा होती है। अब देखो इसमें से सबकी सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी किसकी है, 61 की, 61 फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा है। तो मॉडल क्लास कौन सी हुई हमारी, 60 to 80, 60 to 80 वाली हमारी मॉडल क्लास हुई, ठीक है। सबसे पहले हम यही देखते हैं क्वेश्चन करने से पहले कि मॉडल क्लास कौन सी है, जब भी हम मोड निकाल रहे हो, ठीक है। जब भी हम मोड निकाल रहे होते हैं तो सबसे पहले हम देखते हैं कि मॉडल क्लास कौन सी है, सबसे ज्यादा जिसकी फ्रीक्वेंसी होती है वो भी हमारी मॉडल क्लास। देन अब हम क्या देखेंगे, एल क्या है हमारा, एल होती है हमारी लोअर लिमिट ऑफ मॉडल क्लास। लोअर लिमिट क्या है हमारी, 60। अब हमारी बेसिकली इस पे चलेगा सारा डाटा, ठीक है। अब हमारा एल क्या हो गया, 60, लोअर लिमिट ऑफ मॉडल क्लास है हमारी, मॉडल क्लास ये है। तो एल क्या हो जाएगा, एल एल होता है हमारा लोअर लिमिट ऑफ मॉडल क्लास, तो कितना हो गया हमारा, 60। अब क्या आएगा हमारा F1, F1 होता है हमारी फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉडल क्लास, मॉडल क्लास की फ्रीक्वेंसी क्या है हमारी, 61। ओके F0 क्या हो जाएगा, F देखो F1 ये हो गया हमारा, F0 होता है इससे पहले वाला, F2 होता है इसके बाद वाला, ठीक है। लाइन वाइज हो जाता है F0 और ये F2। अब लाइन वाइज हो गया ना, देखो 0 1 2, F0 F1 F2, ठीक है। तो सबसे पहले हम F1 निकालते हैं, फिर 0 फिर F2, हमें पता लग जाता है अपने आप। F0 क्या हो गया, 52, F2 कितना आ गया, 38। ओके अब हमारी ये सारी वैल्यू हो गई। अब हम देखते हैं और एक एच रह गया, एच होता है हमारा हाइट, हाइट होती है इन दोनों के बीच का डिफरेंस, ठीक है। क्लास इंटरवल में जो है ना ये सारे, इनके बीच का डिफरेंस, इनके सबके बीच का डिफरेंस कितना है, 20। तो 20 आ गई हमारी हाइट। अब बस इनको मोड के फॉर्मूला उसमें सेट कर दो, मोड इज इक्वल टू, मोड का फॉर्मूला होता क्या है हमारा, एल प्लस F1 माइनस F0 अपॉन में 2F1 माइनस F0 माइनस F2, ओके इनटू में H। ये हमारा मोड का फॉर्मूला होता है, बस इसमें ही सारी वैल्यूज डालो, क्वेश्चन खत्म हो जाएगा। L कितना है हमारा, 60, 60 प्लस F1 कितना है हमारा, 61, 61 में से F0 माइनस करना, F0 कितना है, 52 डिवाइडेड बाय 2 इंटू में F1, 2 इंटू में F1 कितना हो गया, 2 इंटू में 61, यहाँ डिवाइड का साइन लगाओ, 2 इंटू में 61 माइनस F0 माइनस F2, माइनस F0 कितना है, 52 और माइनस 38, ओके इन टू में H कितना हो गया हमारे, 20। तो आंसर आ जाएगा हमारा 60 प्लस 61 में से 52 माइनस किए 9 अपॉन में 2 इंटू में 61 कितना होता है हमारा, 122 माइनस में 52 और 38 कितना हो जाएगा हमारा, देखो 52 और 38 को प्लस कर देंगे ना, 52 और 38 हो जाएगा हमारा 90। ओके इन दोनों को जब ऐड करोगे तो 90 होता है हमारा। तो ये माइनस का 90 इधर लिख दिया इन टू में 20, ठीक है। तो बस इसको सॉल्व कर दो, और कुछ नहीं है, हमारा मोड आ चुका है बस ये। 9 बाय 120 में से 90 माइनस किया तो कितना आता है, 32, माइनस करके देख लो मेरे को याद है, ठीक है, इन टू में 20। तो अब क्या बचा हमारा, किसको काट दो, 216 सा कुछ नहीं, 210 सा, 28 सा, 25 सा कितना आ गया हमारा, 60 प्लस 59 45 डिवाइड बाई 8। ओके तो 45 को 8 से डिवाइड कर दो और इन दोनों को प्लस कर देना बस, 8 5 40 बचा 5, नीचे आ जाएगा 0, डेसिमल लगा दिया ना, 0 आ गया, डेसिमल लगा के हमने 0 नीचे उतार दिया, फिर 8 6 48 बचा कितना, 2, फिर नीचे 0 उतार दिया, 8 8 8 2 16 बचा 4, ठीक है, फिर 0 नीचे उतार दिया, नीचे 0 उतारा तो आप ये 40 है यहाँ पे, तो 8 5 40, दैट्स इट। तो कितना आ गया हमारा, 5.625, 60 प्लस 5.6, 5.625, ठीक है, ये वाली चीज़ लिख रहा हूँ मैं, ठीक है, 5.625। तो इन दोनों को ऐड कर दो, कितना हो गया, 65.625, ये हमारा मोड है, दैट्स इट आंसर। एक गाइस मैं आपको एक बात, मैं आपको पिछले क्वेश्चन में बताना भूल गया था, जैसे हमारा जब ये मोड निकल गया, ठीक है। अब मोड को चेक करने का तरीका क्या है कि आपको देखना है कि मेरा सही निकला या नहीं निकला, ये करने का तरीका है। जो हमारी मॉडल क्लास आई है ना, ये हमारी मॉडल क्लास थी,
ठीक है, इसके बीच में आना चाहिए। देखो 60 to 80 है ना ये, अब हमारा मोड कितना है 65.625, तो मतलब हम जब हम पेपर में कर रहे थे ना तो ऐसे पता लगा सकते हैं कि हाँ हमारा मोड सही आया है बिल्कुल। अगर इसके बीच में नहीं आ रहा ना हमारा मोड, जो हमारी मॉडल क्लास आई है, ये हमारी मॉडल क्लास आई है 60 to 80, अगर इसके बीच में नहीं आ रहा हमारा मोड तो हमारा क्वेश्चन समझ लो गलत हो रहा है, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गलत आ रहा है। ठीक है, ये हमारे चेक करने का तरीका है, पेपर में हम ऐसे चेक कर सकते हैं। देखो 65.625 है, 60 to 80 के बीच में आ रहा है, तो दैट्स इट, हमारा क्वेश्चन खत्म, बस यही हमारा मोड है, सही है बिल्कुल मोड हमारा। ठीक है, तो क्वेश्चन सेकंड भी हो गया हमारा कंप्लीट।